अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका वो सलमान शेख। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिटी हाउसिंग थाने के रिलेटेड है। तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो गोल्फ रेजिडेंशिया में जिन्होंने फाइल्स बाई की हुई हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड पॉलिसीज आ सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि सिटी हाउसिंग थाना की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। लेटेस्ट डेवलपमेंट की वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर पोस्ट की हुई है, फिजिकली साइट के ऊपर मैंने पोस्ट की हुई है। मशीनरी वहाँ पे आ चुकी है, काम भी थोड़ा बहुत चल रहा है, बट जो फुल स्विंग के साथ काम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होगा काम स्टार्ट, और इसी में ही आपकी इंस्टॉलमेंट भी ड्यू होगी जनवरी के मंथ के अंदर। तो काम भी इसी मंथ ही आपका फुल स्विंग के साथ स्टार्ट होगा। तो अब बात करते हैं कि जिन क्लाइंट्स ने गोल्फ रेजिडेंशिया के अंदर फाइल्स बाई की हुई हैं उनका क्या फ्यूचर होगा। उनका यही फ्यूचर होगा कि कंपनी उनको एडजस्ट करेगी, जिस तरह सिटी हाउसिंग झेलम में सेटेलाइट टाउन में जिन्होंने प्लॉट बाई किए हुए थे उनको एडजस्ट किया था, उसी तरह गोल्फ रेजिडेंशिया वालों को भी कंपनी एडजस्ट करेगी। बट अभी तक कोई पॉलिसी उसके ऊपर नहीं आई। तो एक्सपेक्टेड पॉलिसी क्या आ सकती है? एक्सपेक्टेड पॉलिसी ये आ सकती है कि उनका एक सेपरेट ब्लॉक बना दे, जिन्होंने गोल्फ रेजिडेंशिया के अंदर बाई किया हुआ है उनका एक सेपरेट ब्लॉक बना दे, उनको पीछे कोई ब्लॉक दे दे, उधर उनके ब्लॉक उनको कंपनसेट कर दिया जाए। या फिर ये हो सकता है कि जो आज प्लॉट की प्राइस है उस हिसाब से आपको थोड़े बहुत और पैसे देने पड़ जाए, ये भी एक्सपेक्टेड पॉलिसी आ सकती है। या ये भी आ सकती है कि आपको कहें कि आप मर्जिंग कर लें, कोई और प्लॉट ले लें, ठीक है, आप जितने ऊपर पैसे बनते हुए वो आप दे दें इनको। तो ये एक्सपेक्टेड पॉलिसीज आ सकती हैं, बट फिलहाल कोई इन्होंने एक्सपेक्टेड पॉलिसी नहीं दी गोल्फ रेजिडेंशियल क्लाइंट्स के लिए, वो भी काफ़ी परेशान है। बट बहुत जल्द जो सा है उसके ऊपर इन्होंने कोई ना कोई पॉलिसी देनी है, क्योंकि उन्होंने अब ये सोसाइटी को रन करना है। तो काफ़ी पहले ही काफ़ी पीछे जा चुके हैं, अब इन्होंने इंशाल्लाह इसके ऊपर काम काफ़ी तेज़ी के साथ करना है। तो गोल्फ रेजिडेंशिया वाले परेशान ना हो, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो आप इंस्टॉलमेंट अपनी पे करते रहें, तो परेशान होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको एडजस्ट करेंगे सिटी हाउसिंग वाले, आपको कंपनसेशन मिलेगी, आप उसके रिलेटेड परेशान ना हो। तो इंस्टॉलमेंट भी आपकी जनवरी के अंदर ड्यू हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी ये इन्वेस्टमेंट बन जाएगी इंशाल्लाह, जब काम इसका तेज़ी के साथ स्टार्ट हो जाएगा आपको इसका क्लियर मैप नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी काम बंद था जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान थे, बट ये है कि अब जो सा है फाइनली काम स्टार्ट होने लगा है, मशीन्स जो है वो साइट के ऊपर बाकायदा तौर पर आ चुकी हैं। तो आपकी किसी किस्म की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो सिटी हाउसिंग झेलम के रिलेटेड, सिटी हाउसिंग थाने के रिलेटेड या मिड टाउन झेलम के रिलेटेड, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल दी हुई है। आपके लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।